दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में यानी कि प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास में ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत एडमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी की है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन करने के लिए 25 फरवरी आखिरी तारीख होगी। एडमिशन जो भी है वो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के तहत होगा और ड्रॉ 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। एडमिशन के लिए शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। EWS और डीजी कैटेगरी के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है एवं मुफ्त में यूनिफॉर्म और किताबें ये सब मुहैया कराई जाती हैं, यानी कि लगभग उनके लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपको बता दें कि आवेदन प्रक्रिया के तहत 25% सीटों पर इन छात्रों का एडमिशन होगा, यानी कि हर स्कूल में जो प्राइवेट स्कूलों में है कुछ सीटें निर्धारित की गई हैं, तो उन्हीं सीटों पे इन बच्चों के लिए जैसे जगह आरक्षित की गई है कि इन सीटों पे इन्हीं बच्चों का ही एडमिशन होगा। तो इन कैटेगरी में कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले लेते हैं नाम EWS के बच्चों का, और साथ ही दूसरा जो कैटेगरी मानी जाती है वो डीजी श्रेणी मानी जाती है। तो डीजी श्रेणी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, तो इसमें एक आती है अनुसूचित जाति यानी कि SC, और दूसरी जो आती है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, और तीसरी जो आती है पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर, अब यानी और साथ ही अनाथ वाली भी, जो अनाथ बच्चे होते हैं कुछ इसी कैटेगरी में ही रखा गया है, इसके कुछ रूल्स हैं और ट्रांस जेंडर वाले बच्चों को भी इसमें रखा गया है, और साथ ही जो HIV से जो प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो कुछ कुल मिला के इसमें सीटें बांटी गई है इन बच्चों के एडमिशन के लिए। आवेदन करने के लिए यहाँ पर बच्चे की उम्र सीमा भी तय की गई है क्लास में एडमिशन लेने के लिए, वो भी 31 मार्च 2023 के हिसाब से ये उम्र तय की जाएगी। तो नर्सरी कक्षा के लिए जो एडमिशन की उम्र तय की गई है बच्चे की वो 3 से 5 साल की होनी चाहिए। साथ ही प्री प्राइमरी और KG क्लास के बच्चों के लिए जो उम्र सीमा तय की गई है वो 4 से 6 साल तय की गई है। और साथ ही यदि क्लास फर्स्ट की बात करी जाए तो उसमें बच्चों की उम्र सीमा तय की गई है 5 से 7 साल। लेकिन वहीं पर यदि हम दिव्यांग बच्चे जो विकलांग होते हैं उनके लिए उम्र में सीमा में कुछ छूट दी गई है, तो ऐसे में यदि बात करी जाए तो इन बच्चों के लिए नर्सरी में 3 से 9 साल तय की गई है और KG में 4 से 9 साल और साथ ही क्लास फर्स्ट में 5 से 9 साल। तो इस तरीके से दिव्यांग बच्चों को छूट दी गई है एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं इसके लिए किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो EWS कैटेगरी के हैं तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ेगा, दिल्ली रेसिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड और साथ ही अन्य और भी यूजफुल डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत पड़ती है वो करवाना पड़ेगा। लेकिन ये EWS कैटेगरी वालों के लिए, तो इसमें मेंशन कर रखा है नोटिस में इनकम सर्टिफिकेट, साथ ही BPL AAY वाला राशन कार्ड होना चाहिए भी तय कराया गया है। तो इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट है ये EWS कैटेगरी के लिए बने हुए। अब बात करते हैं DG एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिसमें SC ST OBC ऑर्फन HIV अफेक्टेड और डिसेबल्ड चिल्ड्रन आते हैं, इनके लिए किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी ये एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त ही वहाँ पूछ लिया जाएगा सबमिट कराने के लिए कि किस किस फॉर्म को सबमिट कराना है। तो साथ ही इस प्रकार से
और भी हम बात बताते हैं कि यदि डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इश्यू हुआ हुआ होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो दर्शाता हो कि किस प्रकार की विकलांगता है। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ ये भी प्रावधान किया गया है कि इन्हें किसी प्रकार की आय प्रमाण पत्र को सबमिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी, तो दिव्यांग बच्चों के लिए ये प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं EWS, DG और डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इन तीनों को ही कम से कम 3 साल का निवासी होना चाहिए दिल्ली का, और साथ ही इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों के बच्चों के पास आधार कार्ड भी होना चाहिए ऑनलाइन प्रोसेस एडमिशन के दौरान। और यहाँ एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर किसी आवेदक से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ हुआ होना चाहिए। यदि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हुए पाए गए तो उनका ड्रॉ में नंबर आने के बावजूद भी उनकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी, तो इस गलती को करने से बचें। मल्टीपल फॉर्म फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक ही फॉर्म काफ़ी होता है एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं कि फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, तो सबसे पहले हमें edu.nic की वेबसाइट पर जाना है, फिर इस वाले कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करते ही हमारे पास कुछ इस प्रकार का मेन्यू आ जाएगा, जहाँ पे अभी तो नहीं 10 फरवरी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए एक और भी लिंक आ जाएगा जिसे फिल करना होगा इस जगह पे, जैसे अभी तो नहीं है लेकिन 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे लिंक। तो इस प्रकार से एक फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करके कई सारे स्कूलों के नाम हम उसमें फिल कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमें एडमिशन लेना है। तो फिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जिस स्कूल में हमें सबसे पहले एडमिशन मिल जाए तो उसे नंबर 1 पर रखना है, और उसके बाद यदि उसमें नहीं होता तो उसे दूसरे नंबर पर सिलेक्ट करना है, तो बिल्कुल रैंक के हिसाब से सिलेक्ट करना। तो एक ही फॉर्म से कई सारे स्कूल के नाम को हम इसमें फिल कर सकते हैं जिसमें हमें एडमिशन लेना हो। तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो मेरी नॉलेज के हिसाब से लगभग ठीक ठाक है। यदि जाने अनजाने में कुछ भूल चूक होती है या कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और साथ ही यदि पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो edu.nic पे जाके वहाँ पे जाके जो नोटिस है उसको एक बार केयरफुली तरीके से रीड कर लेना।